नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा ज्ञान में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे BSTC 2019 जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में, कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, टॉपिक वाइज देखेंगे और अब की बार इसमें नया क्या सिलेबस में जोड़ा गया है और कितने नंबर का ये अपना पेपर होगा और कितना नंबर आपको पास होने के लिए लाना ज़रूरी है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों, संपूर्ण आपके डाउट है वो क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए और आपको इसके साथ साथ में एक बड़ी खुशखबरी है कि हम अब इस चैनल पे रोज़ आपको एक वीडियो BST संबंधित मिलेगा, जिसमें आपको सारा कोर्स करवाया जाएगा इसकी एग्ज़ाम से पूर्व पूर्व। उसके बाद का आपका एक भी क्वेश्चन कोई भी नहीं आएगा, वो क्वेश्चन 100% वो आएंगे और पूरी तैयारी करवाएंगे। ऑनलाइन आपकी क्लासे है अब चलेगी। तो दोस्तों, आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन दबा लेना, ताकि आपके नोटिफिकेशन बारे में हमारा भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले सिलेबस की बात करें जो इसका पाठ्यक्रम होने वाला है, वो सबसे पहले मेंटल एबिलिटी का है, मानसिक योग्यता का होगा, 50% आएंगे। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा, यानी कि टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, वो 150 नंबर के होंगे। इसमें टॉपिक की बात करें तो इसमें रीजनिंग आएंगी, तार्किक योग्यता, और इसमें एनालॉजी आएगी जो दोस्तों की आंशिक समानता या समरूपता दिखाता है, और विविधीकरण आएगा, समानता आएगी, विश्लेषण और तार्किक चिंतन इसमें आपके टॉपिक रहेंगे मानसिक योग्यता के अंदर। ये दोस्तों थोड़े टफ लेवल के आएंगे, क्योंकि इसमें लगभग 5 लाख आवेदन आएंगे और ये 19,600 टोटल मात्र सीटें। तो आप देख सकते हो किस प्रकार से कंपटीशन होगा, तो उसी हिसाब से की बार ये पेपर का लेवल है आने वाला है। अब इसमें बात करें जनरल अवेयरनेस की, जो राजस्थान का आने वाला सामान्य ज्ञान, वो सामान्य ज्ञान थोड़ा ऊंचा लेवल का आने वाला है। तो दोस्तों, आप पूरे तरीके से तैयारी कीजिएगा और इसकी हर टॉपिक की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी आपको। यदि आप चाहते हो करवाई जाए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और इसमें ऐतिहासिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, कला संस्कृति और साहित्य पक्ष, आर्थिक पक्ष, भौगोलिक पक्ष और लोक जीवन, सामाजिक पक्ष, पर्यटन पक्ष आपके जो राजस्थान के सामने जानकारी उसमें आएंगे। और तीसरा जो इसका भाग है, शेष भाग शिक्षण अभिसमता, यानी ये 50% आएंगे और ये 3 नंबर का 1% आएगा, यानी 150 नंबर के होंगे। तो दोस्तों, 3 तो आपके होंगे, ये 150 150 150 नंबर के, यानी कि 450 नंबर के ये आ जाएंगे आपके। और इसमें आपको पूछा जाएगा ये शिक्षण अधिगम, नेतृत्व गुण, सृजनता जो सृजनात्मक सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, और संप्रेक्षण कौशल और व्यावसायिक अभिवृत्ति इसमें आपके पूछी जाएगी शिक्षण अभिसमता में। तो दोस्तों, ये आपके हुए 450 नंबर के क्वेश्चन। अब बात करें इसमें 10 भाग है, उसमें भाषा योग्यता आपकी आएगी, जिसमें 50% आएंगे और ये आएंगे आपके 60 अंक के आएंगे, यानी 50% आएंगे दोनों मिलाकर इंग्लिश और हिंदी। और यदि आप संस्कृत लेना चाहते हो तो आपके वो भी 30 नंबर के संस्कृत आएगी, और हिंदी लेना चाहो सामान्य तो वो 30 नंबर की आएगी। और इसमें आपके टोटल ये होंगे 600 नंबर का ये पूरा पेपर होगा, और 600 नंबर में से आपको लगभग 420 नंबर है वो आपको मात्र इसमें लाने होंगे, 420 नंबर, 600 नंबर का पूरा पेपर आपके होगा। और इसमें बात करें कि इंग्लिश के अंदर, तो इंग्लिश के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो कंपोजिशन स्पोर्टिंग एरर आएगा, नेटेशन आएगा, और इसमें प्रोपोजिशनल आएगा, आर्टिकल आएंगे, और कन्वर्टिज आएंगे, और करेक्शन ऑफ सेंटेंस आएंगे, काइंड ऑफ सेंटेंस और सेंटेंस जो कंप्लीट है वो आएंगे, और आपके टेंस इसमें आएंगे। तो दोस्तों, ये इसमें इंग्लिश का सब्जेक्ट है वो उसमें ये टॉपिक आएंगे। और संस्कृत की बात करें, स्वरिन व्यंजन, उच्चारण स्थान, शब्द रूप, अकरांत पुलिंग, अकरांत स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, धातु रूप, लटलंकार, लोटलंकार, लटलंकार, विधिलंकार, उपसर्ग एवं प्रत्यय संधि, सवर्ण व्यंजन एवं विसर्ग संधि, समास, तत्पुरुष, द्विगु एवं कर्मधारय समास, लिंग एवं वचन, विभक्तियाँ एवं कारक इसमें संस्कृत में आपको है वो आएंगे। हिंदी की बात करें, 30% आएंगे वो आपके 90 अंक है वो अब के बाद इसमें आएंगे। और शब्द ज्ञान, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, युग्म शब्द, वाक्य विचार, शुद्धिकरण शब्द, शुद्धि एवं वाक्य शुद्धि, मुहावरे एवं कहावत, संधि समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश के लिए एक
सार्थक शब्द आएगा। अब इसमें नया क्या जुड़ गया है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों इसमें अब की बार नया क्या है, तो नया इसमें अब की बार करंट अफेयर आपका आएगा 1 जनवरी से लेकर 2 मई तक आपका आएगा। और इसमें गणित में आपके आयु ज्ञात करना, प्रतिशत, घन, पाशा, आकृतियाँ आपकी इसमें आपको आएगा। ये आपके 2019 में नया सिलेबस है। और दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी है वो नहीं होने वाली है। और दोस्तों अब आपको रोज डेली BSTC की क्लास से लगेगी अपने चैनल पे, तो आप इस चैनल के साथ में जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।